और 300 kg। क्वेश्चन है क्या निकालना है, फाइंड नेट फोर्स। अब क्योंकि हमारे पास चार फॉर्मूलाज हैं, फोर्स, ई, यू और वी, अब चार टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो हमें पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन फोर्स पे है, ई पे है, वी पे है या यू पे है। तो मुझे जो लग रहा है ये क्वेश्चन किस पे है, फोर्स पे है। नेट फोर्स निकालनी है, किसके ऊपर निकालनी है, मास m3 के ऊपर। m3 पे चलते हैं तो देखते हैं, यहां मास m1, m3, m2, इनका डिस्टेंस गिवन है आपस में 10 और 12। मुझे फोर्स किस पे निकालनी है, नेट m3 पे। m3 की जो फोर्स है, m3 पे जो फोर्स है, ठीक, कौन लगाएगा, इसके आसपास के मासेस लगाएंगे, तो M3 को M1 अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, है ना, अट्रैक्टिव है क्योंकि M1 M3 को खींचेगा, तो एक वेक्टर कहां बनेगा, इधर। तो ये ना सोचें कि वेक्टर ऊपर क्या कर रहा है, वेक्टर तो यहां बनना चाहिए पर जगह नहीं है, थोड़ा टाइट हो जाता है तो मैंने ऊपर बना दिया, ठीक। तो M1 M3 को खींचेगा इधर, तो वैल्यू बोलो जी M1 इंटू M3 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर। उसी तरीके से M2 M3 को अट्रैक्ट करेगा, तो जी M2 M3 बाई 12 स्क्वायर, करेक्शन करो M2 M3 होगा यहां पे, जी M2 M3 करो, M2 M3 बाई 12 का स्क्वायर। हाँ वो करता हूं मैं, ठीक। यहां पर M1 M3 करता हूं अभी, एक मिनट, M2 M3 किया ना मैंने यहाँ पे, M2 M3, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे M2, यहाँ क्या करेक्शन करनी पड़ेगी दोनों जगह यार, दोनों ही गलत है एक्चुअली, तो यहाँ पर दोनों करेक्शन करेंगे। देखो तो एक फोर्स लेफ्ट है तो एक फोर्स राइट है, किसके ऊपर, M3 के ऊपर। नेट फोर्स निकालने के लिए बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को क्या कर देंगे, माइनस, ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर्स है तो, क्योंकि दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों नेट फोर्स निकालने के लिए आपस में माइनस। तो माइनस कैसे, ये देख ली नाइट में से कौन बड़ा कौन छोटा, तो बड़े में से छोटा माइनस, इसको कैंसिल कर दो, कुछ गलत है ये करेक्शन कर लो, इसको क्रॉस कर लो। जब न्यूमेरिकल करोगे तो बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कर देना, ये कह रहा हूं, ठीक है यहां तक। अब जैसे मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, और हाँ, क्योंकि मैं जब नेट फोर्स निकालता हूं M3 पे लेट अस सपोज, तो क्या देखता हूं, उसके सराउंडिंग के आसपास कितने मासेज हैं, क्योंकि M3 के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कौन लगा रहा है, उसके सराउंडिंग मासेज लगा रहे हैं। तो मैं हर इंडिविजुअल मास की फोर्स निकालता हूं कि M1 ने कैसे खींचा, M2 ने कैसे खींचा, और फिर मैं रिजल्टेंट लेता हूं F1 और F2 का। तो फिजिक्स में बोला जाता है कि मैं क्या यूज कर रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब एक जगह पर सारे वेक्टर बना लेना, उसके बाद वेक्टर के हेल्प से उनके ऊपर नेट फोर्स को निकाल लेना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है यहां तक। वेक्टर का रूल लगाना है, सुपरपोजिशन लगाना। अब मैंने अपना क्वेश्चन इसमें चेंज कर दिया, मैंने कहा कि वही M1, M2, M3 और डिस्टेंस भी वही 10 और 12। अब नेट फोर्स मुझे किसके ऊपर चाहिए, M2 पे। अब सारे के सारे वेक्टर्स किस पे ड्रॉ करने पड़ेंगे, M2 पे। अब M2 के आसपास देखते हैं कितने मासेज हैं, M2 के आसपास एक M3 है, एक M1 है। M3 M2 को क्या करेगा, अट्रैक्ट, रिपेल तो वैसे नहीं कर सकता, ग्रेविटी की फोर्स है, तो M3 M2 को अट्रैक्ट, कितनी फोर्स, जी M2 M3 बाई 12 का स्क्वायर। और ऐसी M1 भी M2 को क्या करेगा, अट्रैक्ट, क्योंकि M2 के ऊपर नेट फोर्स, दो वेक्टर बनेंगे, एक इसकी वजह से एक इसकी वजह से, तो M1 क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट, जी M1 M2 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 10, 22 का होल स्क्वायर। और दोनों वेक्टर इस तरफ है, मेरी तरफ है, तो नेट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली नेट फोर्स क्या होगी, इसका सम प्लस इसका सम ऐड कर देंगे।
फिर एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, वो कहता है कि सर फिर M1 ने भी तो M3 को अट्रैक्ट किया, वो तो आपने लिया ही नहीं। M1 ने भी तो M3 को अट्रैक्ट किया, नो डाउट M1 M2 को अट्रैक्ट कर रहा है, पर M1 M3 को अट्रैक्ट कर रहा है, M3 M1 को अट्रैक्ट कर रहा है, वो तो आप ले नहीं रहे। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि मुझे नेट फोर्स किस पे निकालनी है? M2 पे। तो सारे वेक्टर M2 पे। जैसे आप सब बहुत सारे मासेज हो मेरे को मिला के, मान लो नेट फोर्स इस पे निकालनी है, तो मैं सारे वेक्टर इस पे लूंगा कि इसने इसको अट्रैक्ट किया, इसने इसको अट्रैक्ट किया, इसने इसको अट्रैक्ट किया, ये सब फोर्सेस लूंगा। ये नहीं कंसिडर करूंगा कि इसने इसको भी अट्रैक्ट किया होगा। मेरे को क्या, मेरे को मेरा क्वेश्चन इस पे पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियसली मैं सारे वेक्टर सराउंडिंग मासेस के इस पे लूंगा, फिर वेक्टर का रूल लगा के नेट फोर्स निकाल दूंगा। लेकिन अगर कल को क्वेश्चन चेंज हो गया और किसी ने कहा कि इसके ऊपर नेट फोर्स निकालो, तो अब इसको छोड़ दूंगा, अब ये देखूंगा इसके सराउंडिंग मासेस कितने हैं, सारे वेक्टर अब इस पे ड्रॉ करूंगा और फिर नेट फोर्स इस पे निकालूंगा, इरिस्पेक्टिव कि इन्होंने आपस में क्या फोर्स लगाई थी। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही है कि जिस मास की बात हो रही है, सारे के सारे वेक्टर सिर्फ उसी मासेस पे लगेंगे, आपस में मासेस क्या करते हैं उससे हमें लेना देना नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो इस तरीके से आप नेट फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन करके देखो एक। जैसे एक मास है M1 4 kg, एक मास है M2 3 kg, M3 5 kg, ठीक। टू मीटर, 7 मीटर, मेरे को नेट फोर्स निकालनी है M2 पे। फाइंड नेट फोर्स ऑन मास M2।
देखो जिन्होंने इस क्वेश्चन को किया इसको ऐसे करना है, मैंने नेट फोर्स किस पे पूछी, M2 पे, तो M2 के सराउंडिंग मासेस देखें, तो M2 को एक फोर्स कहां से मिलेगी, M1, और M1 इसे क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट, तो एक वेक्टर ये बनना चाहिए मेरे हिसाब से, बनाया, तो इसकी फोर्स की वैल्यू बोलो G इंटू एम वन इंटू एम टू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक, तो एक फोर्स आ गई, लेट अस सपोज एफ वन, अब एम थ्री एम टू को अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट, तो ये जो फोर्स होगी वो क्या होगी, जी थ्री इंटू फाइव डिवाइडेड बाई सेवन का स्क्वायर, दो फोर्सेस आ गई, जैसे वो पूछ रही थी कि फिर M2 भी तो इन्हें अट्रैक्ट कर रहा होगा, हाँ तो कर रहा होगा, हमें नहीं निकालना, हमें ये देखना है कि M2 के सराउंडिंग मासेस इसके साथ क्या करते हैं, ये क्या करता है वो क्वेश्चन नहीं है, तो दोनों एंगल कितने पे लग रहे हैं 90, तो नेट आंसर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एफ वन स्क्वायर प्लस पुट कर लेना आंसर आएगा, तो आपको ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्लियर है यहां तक, ठीक, प्लस टू के अंदर भरे पड़े हैं ऐसे क्वेश्चंस, प्लस टू का पहला महीना, पहले 15 दिन आप कुछ नहीं करेंगे, बस यही इस टाइप की प्रॉब्लम्स करेंगे, ऐसे होता है ना प्लस टू में स्टार्ट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सुन लिया, इलेक्ट्रोस्टैट्स ऐसे था, ओके, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है।